बच्चों में कल एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक वीडियो भेजा था, जिसमें स्टेट बैंक की स्थापना तथा स्टेट बैंक का उद्देश्य जो है बताया था मैं। आज मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दूसरा वीडियो भेज रहा हूँ, स्टेट बैंक का कार्य, फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक, स्टेट बैंक के क्या क्या कार्य हैं। पहला है रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है रिजर्व बैंक का एजेंट के रूप में कार्य करता है। ये रिजर्व बैंक की ओर से जो है सरकारी लेन देन करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये सरकारी लेन देन करता है। अधिकतर जो है सरकारी लेन देन ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की के द्वारा जो है होता है। दूसरा है ऋण देना। रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दूसरा काम है ऋण देना। ये ग्राहकों को सस्ते दरों पर ऋण देता है, कृषि कार्यों के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी देता है। तीसरा है स्टेट बैंक का कार्य जमाएं स्वीकार करना। स्टेट बैंक ग्राहकों के धन को जो है जमा अपने यहाँ जमा करता है, बचत खाता में, चालू खाता में, आवर्ती जमा खाता में, सावधि जमा खाता में इत्यादि। अगला है रकमों की वसूली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ग्राहकों के चेकों, ड्राफ्टों तथा बिलों की धन को वसूल करके ग्राहकों के खातों में जमा करता है। पांचवा है बिल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है बिलों को लिखता है, बिलों को स्वीकार करता है, बिलों को क्रय करता है, बेचता है तथा बिलों की कटौती भी करता है। छठवां है विनियोग। स्टेट बैंक का कार्य है छठवां विनियोग। स्टेट बैंक अंशों, ऋण पत्रों इत्यादि में धन का विनियोग करता है तथा उन्हें उचित समय पर बेचता भी है, विक्रय भी करता है। अगला है सातवां है साख पत्रों का जारी करना तथा धन स्थानांतरण सीधा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साख पत्रों का जारी, साख पत्र में ये हो जाएगा चेक, ड्राफ्ट, बिल, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, ये साख पत्र होते हैं, यात्री चेक, ये साख पत्र कहलाते हैं। तो चेक, बिल, ड्राफ्ट, चेकों को जारी करता है, ड्राफ्टों को जारी करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा ग्राहकों के धन को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण की सुविधा भी देता है। आजकल ये नेफ्ट तथा आरटीजीएस के माध्यम से जो है धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ट्रांसफर किया जा सकता है आसानी से। आठवां है संपत्ति की सुरक्षा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है संपत्ति की सुरक्षा भी प्रदान करता है, लॉकर की सुविधा देता है ग्राहकों को, ताकि ग्राहक अंशों को, ऋण पत्रों को तथा मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित जो है लॉकर में रख सके। ये लॉकर की सुविधा भी प्रदान करता है। अगला है नौवां जो है नौ नंबर सरकार का बैंकर। ये सरकार का बैंकर है, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के सभी जो है सरकारी कार्य जो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है किए जाते हैं। अगला है दसवां अभिगोपन। अभिगोपन क्या होता है? अभिगोपन जब कंपनियों के जो है ये जो है अभिगोपन ये होता है कि जब इसमें जो है बैंक गारंटी देती है कंपनियों के, जब शेयर और ऋण पत्रों जो है ऋण पत्र बाजार में नहीं बिक पाते हैं तो ये बैंक गारंटी देती है। स्टेट बैंक जो है गारंटी देती है कि मैं आपका जो है क्रय जो है अंश और ऋण पत्र को क्रय कर लूंगा, ये उनको गारंटी देते हैं लेने के लिए, इसे अभिगोपन कहते हैं। जब कंपनियों के शेयर और अंश, जब कंपनियों के अंश और ऋण पत्र बाजार में नहीं बिक पाते हैं तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनको स्वयं जो है क्रय कर लेते हैं, स्वयं जो है ले लेते हैं, उसे कहते हैं हम अभिगोपन। तथा जो गारंटी देते हैं उसको अभिगोपक कहते हैं। जो अंशों और ऋण पत्रों को लेने के लिए, क्रय करने के लिए गारंटी देते हैं उसे अभिगोपक कहते हैं, अंडरराइटर। तथा इस कार्य के लिए कुछ कमीशन लेते हैं उसे कहते हैं अभिगोपन कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन।